बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंडे का पुलाव। अंडे का पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल को भिगो देंगे। यहाँ पे मैं 3 पाव चावल ले रही हूँ, मतलब 3 कप। इसको 1 घंटे पहले भिगो दिया है। आप अपने चावलों के हिसाब से चावल को भिगो लीजिएगा। साथ ही यहाँ पे मैंने बॉयल एग लिए हैं 6 अदद, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 3 अदद हरी मिर्चें और हरा धनिया। साथ ही गरम मसाले लेंगे, जिसमें तेज़पात 2 अदद, 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 3 अदद लौंग, साथ ही कुछ काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून सौंफ लेके इसे पीस लिया है। साथ ही कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 2 टेबल स्पून। आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप यहाँ पे चिकन क्यूब्स यूज़ कर सकते हैं। साथ ही 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक अपने चावल के मुताबिक। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एग को फ्राई कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे मैं एग पर फूड कलर शामिल करूँगी, ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप कुकिंग ऑयल लूँगी, जिसमें साबुत गर्म मसाले शामिल करके इसे फ्राई कर लेंगे। अब इसमें प्याज शामिल करके इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे प्याज फ्राई हो चुकी है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसे फ्राई कर लेंगे। तो अब इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी, साथ ही यहाँ पे बाकी के मसाले भी शामिल कर दूंगी, जिसमें कुटी लाल मिर्च, चिकन पाउडर, साथ ही धनिया और सौंफ का पाउडर जो बना के रखा था उसे भी शामिल करके इन सबको सही से फ्राई कर लेंगे। और इसमें बहुत ही थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी कि हमारे जो मसाले और टमाटर हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया शामिल कर दूंगी। हरा धनिया यहाँ पे थोड़ा सा शामिल किया है, बाकी के हम एंड में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अपने चावल के हिसाब से पानी शामिल करना है कि चावल डालने के बाद ना कम हो पानी और ना ही ज़्यादा। साथ ही अंडे शामिल कर दिए हैं, अब उबाल आने देंगे और फिर चावल शामिल कर देंगे। अब इसमें चावलों के हिसाब से नमक शामिल कर दूंगी। अब इसे सही से मिक्स करके पकाएंगे। तो यहाँ पे चावलों का पानी चावल से नीचे आ चुका है, तो अब इसको दम पे लगाएंगे। लेकिन दम पे लगाने से पहले यहाँ पे मैं ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल करके अब इसे दम पे लगा दूंगी। तो यहाँ पे मज़ेदार सा अंडा पुलाव बनके तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।